बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 27। रिक्वायरमेंट देख लें, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन एट दिसंबर 31st, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द अकाउंट्स एट दिसंबर 31st, अज्यूम दैट द अकाउंट्स हैव नॉट बीन क्लोज्ड, स्टेट द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस विच शुड बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट ऑफ दिसंबर 31st। तो सबसे पहले हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। जो फर्स्ट पॉइंट है, एट दिसंबर 31st बैंक बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट वाज रुपीज 37758, पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रुपीज 4250। तो ऊपर आप लिख लें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इधर आप लिखें लें बैलेंस एज पर कैश बुक, और इधर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इधर भी लिखते एज ऑन 31st December 2017। बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस दिया हुआ है ये 37758, और जो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक वो 42500। दोनों के साथ कुछ नहीं लिखा तो फिर हम अज्यूम करते हैं ये फेवरेबल है, कैश बुक का फेवरेबल डेबिट, पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द कैश रिसीट ऑफ रुपीज़ 6244 ऑन दिसंबर 31st वर डिपॉजिटेड ऑन जनवरी, यानी कैश रिसीट ऑफ रुपीज़ 6244, यानी रसीद जो है कैश रिसीट वार डिपॉजिटेड ऑन, यानी हमने क्या किया, एंट्री पास की बैंक डेबिट और जो भी कैश जमा कराया है कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश, ये एंट्री हमने अपने पास कर ली। लेकिन जो है बैंक में हमने जमा कराया है फर्स्ट को, जनवरी 1st को, यानी हमारे पास ये रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन बैंक में ये जो चीज़ है ये जमा नहीं हुई, यानी हमारे पास ये डेबिट हो गई बैंक में क्रेडिट नहीं हुई। दोबारा समझा देता हूँ कि कैश रिसीट ऑफ रुपीज़ 6244 ऑन दिसंबर 31st वर डिपॉजिटेड ऑन जनवरी 1st, यानी जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं या चेक जमा कराते हैं तो एक रिसीट होती है, उसके ऊपर आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं। अब आपने अपने पास लिख लिया है दिसंबर में, बैंक में वो जो जमा कराए हैं यकम को, अब आपके पास तो ये जमा हो गए हैं 31st को लेकिन बैंक में तो जमा नहीं हुए, तो अब हम अगर हमने बराबर करना है तो इस बैलेंस में भी उसको ऐड करें, यानी ये एंट्री हमारे पास इधर हो चुकी है कैश बुक में, इधर नहीं हुई, तो आप लिख दें ऐड अन क्रेडिटेड कैश लिख लें, या इसको अन क्रेडिटेड कैश या चेक भी लिख सकते हैं, और ये अमाउंट है 6244। तो हमारे पास ये डेबिट हुई बैंक में, ये क्रेडिट होगी, और हमारा इधर क्रेडिट बैलेंस है ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं, ये करते हैं
अब ये पहला पॉइंट है कि यानी हमारे पास ये चीज़ डेबिट हो गई, बैंक में क्रेडिट नहीं हुई, तो मैंने इधर लिख दिया अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड कैश। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूडेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज अ क्रेडिट फॉर ₹167 इंटरेस्ट अर्नड ऑन दिस अकाउंट ड्यूरिंग दिसंबर। जो बैंक स्टेटमेंट में इसमें एक फिगर आ रही है, क्रेडिट आ रहा है 167 का, क्या है ये अर्नड ऑन दिस अकाउंट, यानी इस अकाउंट में जो पैसे पड़े थे उसके ऊपर ये अर्न किए हैं। इधर क्रेडिट हो गई, अब इधर हमारे पास डेबिट होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई, तो अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा जो बैलेंस है ये है डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में यानी ये क्या है, ये अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कलेक्शन, यानी बैंक में ने पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं, हमें इसका इलम नहीं है, अब पता चला है, तब क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इधर क्रेडिट हुई तो इधर हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, लिखेंगे ऐड, यानी ये भी डेबिट 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 ऐड हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स भी लिख सकते हैं, ₹167। फोर्थ पॉइंट, टू चेक्स वर आउटस्टैंडिंग एट December 31st, चेक नंबर, हमने चेक इशू किए थे वो अभी तक आउटस्टैंड कर रहे हैं, यानी उनकी पेमेंट नहीं हुई, यानी इधर हमने लिख लिए, हमने चेक इशू किए तो हम फौरन लिख लेते हैं, इधर लिख लिए, इधर नहीं लिखे गए। ठीक है, ये कब लिखे जाएंगे, जब ये प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे क्या हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। यहाँ हमारा बैलेंस चल रहा था क्रेडिट बैलेंस, तो इसमें क्या करना है, ये चेक हमने जो इशू किए हैं इधर से तो माइनस हो गए, हमने अपने बैलेंस में से कम कर लिए, इधर से कम नहीं हुए, तो इधर भी लिख लें लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये है जी एक 964 और एक 1085, 964 1085, ये आगे 2049, इधर आप इसमें ब्रैकेट में लिख भी लें 964 प्लस 1085, ये 2049 के चेक्स। अब देखें, हमने जब चेक इशू किए हमने पार्टी का नाम डेबिट और बैंक क्रेडिट, हमने इन चेक्स को अपने पास क्रेडिट किया, तो बैंक इसके अपोजिट करेगा, बैंक हमारे खाते को फिर क्या करेगा डेबिट करेगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ डेबिट, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, और हमने इधर लिख दिया लेस फिफ्थ पॉइंट इनक्लोज द बैंक स्टेटमेंट विद डेबिट मेमोरेंडा फॉर सर्विस चार्जेज स्टोरिंग December 14। बैंक ने डेबिट मेमोरेंडा यानी बैंक ने हमारी स्टेटमेंट में डेबिट किए हैं किस चीज़ के सर्विस चार्जेज के नाम पर ₹14। बैंक ने डेबिट किया, हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ये एंट्री बैंक में हो गई है क्योंकि बैंक डेबिट मेमोरेंडा इशू कर रहे हैं, हमारे पास नहीं हुई, बैंक अगर डेबिट करेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ये हमारी क्या है डिडक्शन है, थर्ड पॉइंट है ये हमारा डिडक्शन, तो लिखेंगे लेस सर्विस चार्जेस या बैंक चार्जेस भी कह सकते हैं, सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ये ₹14। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक ने अगर डेबिट किया है तो हम इसको अपने पास क्रेडिट करें, तो ये क्या होगा, ऊपर डेबिट चल रहा है ये क्रेडिट है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है ₹700 चेक ऑफ कस्टमर उस्मान ब्रदर्स मार्केट NSF नॉट सफिशिएंट फंड बाय बैंक, ये चेक हमें मिला था उमर उस्मान ब्रदर ने दिया था,
जब उसने हमें चेक दिया, हमने एंट्री पास की बैंक डेबिट उस्मान क्रेडिट, ठीक है, हमने अपने बैलेंस में इसको ऐड कर लिया था जब ये चेक आया था। अब पता चला कि उसके खाते में तो पैसे ही नहीं है, चेक हमने अपने अकाउंट में जमा कराया क्लियरिंग के लिए, जब बैंक ने उसको भेजा तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, नॉट सफिशिएंट फंड, तो वो डिसऑनर हो गया, यानी ये डिसऑनर ऑफ चेक है। अब डिसऑनर होने से क्या हुआ कि ये जो चेक है हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे अकाउंट भी क्लोज नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने अकाउंट में से माइनस कर लेंगे, यानी इसको उल्ट कर लेंगे, एंट्री पास हो जाएगी उस्मान डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बैंक को हम कम कर लेंगे, इधर लिख दें लेस डिसऑनर चेक्स, और ये मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था कि ये क्रेडिट नहीं हुए तो ये हमारा वो फर्स्ट पॉइंट ही है अनक्रेडिटेड वाला, क्योंकि जब डिसऑनर हो गया तो पैसे आने की उम्मीद ही नहीं है, डिसऑनर ऑफ चेक 700। और हमने बैंक को क्रेडिट किया, हमने दे लिया क्रेडिट। तो ये आपके जो है ना तमाम पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं इसका क्या नया बैलेंस निकलता है, लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस, या करेक्ट बैलेंस, दोनों सोचते हैं ठीक है। ये दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं और ये दो क्रेडिट हो रही हैं, इसको मैं जमा करता हूँ 42,500 प्लस 167 माइनस 14 माइनस 700, ये आपका जो नया आंसर आ रहा है, नया बैलेंस निकल रहा है, ये 41953 आ गया। और ये डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो ये नया बैलेंस जो निकलेगा ये डेबिट बैलेंस होगा। इधर आ जाए, इधर क्रेडिट आ रहा है, दो चीज़ें क्रेडिट हैं 37758 प्लस 6244, और एक चीज़ डेबिट है 2049। तो जब ये माइनस करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 41953। क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो नया बैलेंस निकलेगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों का हमारा बैलेंस जो है वो सेम आ गया। ये हमारी होगी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे, कि जो एंट्रीज हैं, हमने ये जो नया अपना बैलेंस एडजस्ट किया है इसकी एंट्रीज पास करें। अभी मैं ये साइड मिटा रहा हूँ। देखिए, आपने अपनी बुक को ठीक करना है, ठीक है, और आपने कैसे की कि जो चीज़ें बैंक के पास लिखी थी आपने वो इधर अपने पास लिख ली। अब कौन कौन सी लिखी, एक तो ये लिखा है ये 167 का, कि जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। इसके बाद एक ये थी 14 रुपये जो बैंक ने आपके अकाउंट में से काटे थे, और एक ये जो डिसऑनर हुआ है चेक, ये यानी जो एंट्रियाँ आपने अपने पास दुरुस्त की हैं, ठीक है, उनको आप अभी आप लिखेंगे। तो इनकी एंट्रीज मैं आपको कुछ हद तक बता भी चुका हूँ, अभी दोबारा देखते हैं। बैंक ने जब हमें इंटरेस्ट हमारे खाते में क्रेडिट किया, जमा किया, तो ये क्या है, ये हमारी इनकम थी। तो हम एंट्री पास करते हैं, यानी बैंक उधर क्रेडिट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास बैंक को डेबिट करेंगे, लिखेंगे बैंक डेबिट, और जो इनकम आई है बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 167, ये एंट्री पास हो गई। यानी जो एंट्रीज आपने बैंक की बैंक स्टेटमेंट देखकर अपने पास की हैं उनकी एंट्री पास करनी है। इसमें क्या किया, बैंक ने आपको डेबिट किया, तो आप लिखेंगे सर्विस चार्जेस या बैंक चार्जेस डेबिट, और बैंक ने उधर आपको डेबिट दिया, आपने अपने पास इसको क्रेडिट कर लिया 14 से, इसकी ये एंट्री हो गई। और इसका मैंने अभी आपको समझाया कि जब चेक डिसऑनर होता है, जब आपने चेक लिया तो आपने किया बैंक डेबिट उस्मान क्रेडिट, अब ये एंट्री जो उसने पैसे नहीं मिले, उसके खाते में पैसे नहीं थे, इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स होने से क्या होगा, उस्मान डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये आपने बैंक को क्रेडिट कर लिया। ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में लिखा है कि आप बैंक में कौन सा बैलेंस शो करेंगे। तो देखें, अब आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों बराबर आ गए,
अकाउंट क्लोज नहीं हुए थे ना, अकाउंट जब क्लोज नहीं हुए तो आपने तमाम जो अपनी मिस्टेक्स थी वो भी दुरुस्त कर ली, और जो एंट्रियां जो हैं बैंक के पास आ रही थी आपके पास नहीं आ रही थी वो भी आपने कर ली, तो दोनों बैलेंस बराबर हो गए। तो अब आप इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक तो लेना ही है ना, ये ले लें वो ले लें, तो आप यानी दोनों का जवाब सेम है, तो आप बैंक का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में शो करेंगे वो होगा 41953। ये बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें शो होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।